So let's first check the exhaust note of this bike. And now is the time to check the top speed of this bike. और इसके अलावा मैं कुछ और चीजें वो भी बता देता हूँ बाइक के बारे में पहले मैं आपको को. Okay, तो हम आ चुके मेन रोड में. So let's roll this bike once, just once. So fourth gear. And fifth gear. So absolutely this bike is fun to ride. हल्की बाइक है. And this is it? I don't think ये 100 plus में जाएगी, ये 80, 90, 95 के आसपास ही जाएगी. उससे आगे शायद ये बाइक ना जाए. I strongly believe that thing. हमने पूरी बाइक को ओपन कर रखा है, but you can see ये 80, 82, 85 तक ही जा रही है. This bike is full of fun. Lightweight bike है, आपको जहां मन है वहां मोड़ दो बाइक को, ऐसा है. लाइट वेट है. जब मैं पल्सर एन एस 125 चला रहा था तो वो थोड़ी मेरे को बिग बाइक की फील दे रही थी. ये ना थोड़ी कॉम्पैक्ट बाइक है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि गियर शिफ्टिंग बहुत ही बढ़िया है, क्लच भी बहुत लाइट है, एंड द थर्ड थिंग इज नो वाइब्रेशन एट ऑल मैन. नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं इस बाइक में, मैं सच बता रहा आपको. यू कैन टेक इट टू द इट्स रेड लाइन और कोई वाइब्रेशन नहीं है. ये दूसरी बात है कि रेड लाइन पे जाने भी, क्योंकि टॉप एंड पे उतना अच्छा मुझे इसका रिस्पांस लग नहीं रहा. इट इज गोइंग टिल 80-85 आई गेस. इसकी जो टॉप स्पीड होगी ना वो एनएस से थोड़ी कम होगी. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि देयर इज नो वाइब्रेशन मैन, नो वाइब्रेशन एट ऑल, कोई वाइब्रेशन नहीं इस बाइक में.